नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट पेट्रोल के बारे में, इसकी पांच ऐसी खास बातों के बारे में जिनकी वजह से ये गाड़ी जो है इंडिया की नंबर वन सेलिंग एसयूवी बनने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तीन काम आपको करने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ब्रेजा खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट के एक जनरल ओवरव्यू से। तो ब्रेजा फेसलिफ्ट में हमें मिलने वाला है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसमें हमें मिलेगी 105 bhp की पावर एंड 138 nm का टॉर्क। और इस इंजन की खास बात यह है कि हमें ऑटोमेटिक फोर स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली खास बात से। तो दोस्तों, सबसे पहली खास बात यह है कि ब्रेजा पेट्रोल में हमें जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है वो फोर सिलेंडर्स के साथ देखने को मिलता है, जो कि हमें किसी और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखने को नहीं मिलता। हालांकि हमें इको स्पोर्ट में देखने को मिलता है, लेकिन वो हमें थ्री सिलेंडर के साथ ही देखने को मिलता है। तो ऐसे में ब्रेजा इकलौती ऐसी गाड़ी है जो कि हमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिलती है विद फोर सिलेंडर्स। एक फोर सिलेंडर इंजन हमेशा ज्यादा बैलेंस, ज्यादा रिलायबल, लॉन्गर लाइफ और कम वाइब्रेशन जनरेट करता है एज कम्पेयर टू ए थ्री सिलेंडर इंजन। तो ऐसे में काफी अच्छी बात है कि ब्रेजा पेट्रोल में हमें ये इंजन ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बात करते हैं हमारी अगली खास बात के बारे में। तो दोस्तों, अगली खास बात यह है कि ब्रेजा पेट्रोल के हमें ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में भी उतनी ही माइलेज मिलेगी जितनी कि हमें इसके मैनुअल वेरिएंट्स में मिलेगी। और उसका एक बड़ा कारण है इस गाड़ी की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि हमें इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में देखने को मिलने वाली है और जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी है जो वो बढ़ेगी। तो ये एक ब्रेजा की काफी अच्छी बात है जो कि हमें किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलती। चाहे हम बात करें नेक्सोन की, वेन्यू की, सब में हमें जो है सेम इंजन ऑप्शन के साथ ऑटोमेटिक वेरिएंट में कम माइलेज देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रेजा के इस इंजन को काफी अच्छे से ट्यून किया गया है, जिसकी वजह से सिटी और हाईवे में आपको काफी कम गियर लैग्स देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बात करते हैं अगली खास बात के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रेजा हमें डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ देखने को नहीं मिलने वाली है, ऐसे में खबर ये मिली है कि मारुति आने वाले टाइम में ब्रेजा को सीएनजी ऑप्शंस के साथ उतारने वाली है, जो कि हमें इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलने वाला। और वहीं अगर हम बात करें, इसमें हमें काफ़ी सारे नए कलर ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे में जो ब्रेजा है उसमें हमें सबसे ज़्यादा कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 3 से 4 कलर जो है हमें नए देखने को मिलेंगे, जैसे कि डुअल टोन एक्सटीरियर शेड, जिसमें हमें ग्रे विद ऑरेंज रूफ देखने को मिलेगा, रेड विद ब्लैक रूफ देखने को मिलेगा, इसके अलावा सिजलिंग रेड और टॉक ब्लू कलर भी देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बात करते हैं अगली खास बात के बारे में। दोस्तों, अभी तक जो खबर मिली है उसके हिसाब से मारुति ब्रेजा जो है हमें 3 नए अवतार में देखने को मिल सकती है, जैसे कि एक वो जो कि हमें मारुति सुजुकी अरीना से खरीदने को मिलेगी, सिंपल ब्रेजा, और दूसरी वो जो कि हमें प्रीमियम ब्रेजा देखने को मिलेगी जो कि हमें नेक्सा के शोरूम्स में खरीदने को मिलेगी, और तीसरी वो जो कि हमें टोयोटा आउटलेट से देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो लोग थोड़े कम पैसों में ब्रेजा खरीदना चाहेंगे उनके लिए मारुति सुजुकी अरीना में हमें ब्रेजा देखने को मिलेगी, और जो लोग प्रीमियम वर्जन खरीदना चाहेंगे उनके लिए ब्रेजा जो है वो नेक्सा के आउटलेट से देखने को मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे हमें अर्टिगा और एक्सेल 6 के साथ देखने को मिलता है। ऐसे में ब्रेजा की डिमांड और सेल दोनों ही काफी ज्यादा आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बात करते हैं आखिरी खास बात के बारे में। दोस्तों, आखिरी खास बात यह है कि ब्रेजा हमें, जैसा कि आप सबको पता है, कि पेट्रोल वेरिएंट में देखने को मिलने वाली है, ऐसे में इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियों से काफी कम होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी ब्रेजा की पांच ऐसी खास बातें जिनकी वजह से ब्रेजा पेट्रोल जो है अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों पे पड़ने वाली है भारी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा, एंड ब्रेजा और ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।